हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त दिनेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज अपन 11th क्लास इंग्लिश लिटरेचर एनसीईआरटी की बुक से एक प्यारी सी पोइट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है एजामिल एंड द टाइगर्स। और ये जो पोइट्री है, ये दोस्तों पोइट्री एक स्टोरी है जो कि पोइट्री के रूप में लिखी गई है। जो कि किसके द्वारा लिखी गई है मेरे प्यारे बच्चों, ये लिखी गई है अरुण कोलतकर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? अरुण कोलतकर के द्वारा ये लिखी गई है। तो दोस्तों, इसमें एक प्यारी सी स्टोरी है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो आपको इसे लाइक करना है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों अपनी पोइट्री के ऊपर। बड़ी ही प्यारी सी पोइट्री है ये, तो लेट्स सी। द टाइगर पीपल वेंट टू टाइगर डियर किंग। जो टाइगर के लोग होते हैं दोस्तों, टाइगर पीपल, वो कहाँ पे जाते हैं? अपने राजा टाइगर के पास जाते हैं। एंड सेड, और कहते हैं, वी आर स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब होता है दोस्तों भूख से मरना, कि हम जो है वो भूख से मर रहे हैं। वी हैव हैड नथिंग टू ईट, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। नॉट अ बाइट, कि हमने जो है एक टुकड़ा तक भी जो है वो नहीं खाया। फॉर 15 days and 16 nights, कि हमने 15 दिन से, भाई हम जो है भूखे मर रहे हैं, हमने 15 दिन और 16 रातों से जो है वो कुछ भी नहीं खाया। कहने का मतलब है, कुछ टाइगर्स है दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं, और वो अपने टाइगर किंग के पास जाते हैं, वो अपने राजा के पास जाते हैं, और वो अपने राजा से कहता है कि भाई हम जो है भूख मर रहे हैं, हमने 15 दिन और 16 रातों से जो है कुछ भी नहीं खाया है। क्यों नहीं खाया है, आगे रीजन देखते हैं। एजामिल हैज गॉट ए न्यू शीप डॉग, ही क्रैम्प्स अवर स्टाइल एंड वॉन्ट लेट अस गेट विद इन ए माइल ऑफ मीट। तो दोस्तों, अजामिल जो नाम आया है, ये एक सेफर्ड का नाम है, एक भेड़ पालक का नाम है, कि अजामिल ने क्या है, एक नया कुत्ता पाल लिया है, और जो हमारी स्टाइल को क्या करता है, उसने पहचान लिया है, और वो हमें जो है जो भेड़ है उसके 1 मील की दूरी में भी नहीं आने देता। कहने का मतलब है, अजामिल नाम के गडरिए ने एक क्या कर लिया है, एक कुत्ता पाल लिया है जो कि अपने भेड़ों की रक्षा करता है। किससे? टाइगर से। और टाइगर्स को जो है वो पास भी नहीं भटकने देता। तो टाइगर किंग इस पर क्या कहता है, देखते हैं अगले स्टेंजा में। That shocking, said the Tiger King. Tiger King कहता, भाई साहब ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। Why didn't you come to see me before? अरे तुम लोग पहले क्यों नहीं आए? Make preparation for a banquet. दावत की तैयारी करो। Banquet का मतलब होता है दोस्तों दावत, कि दावत की तैयारी करो तुम लोग। I'm gonna teach that sheep dog a lesson. कि मैं जा रहा हूँ और उस भेड़िए के कुत्ते को एक सबक सिखाने के लिए जा रहा हूँ। He will never forget. जिसे वो कभी भी नहीं भूलेगा। तुम लोग तो दावत की तैयारी करो, और आप लोगों को तो पहले ही आ जाना चाहिए था। अगर आप लोग इतने ही ज़्यादा भूखे और यही इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो, तो आपको पहले आना चाहिए था। लेकिन फिर भी कह रहा है, तुम चिंता मत करो, दावत की तैयारी करो, मैं जा रहा हूं, वो जाके उसको अभी सबक सिखाता हूं। Here, here, said the tigers. तो टाइगर्स जो है वो, जब टाइगर का जो राजा है वो जा रहा होता सबक सिखाने के लिए, तो वो कहते हैं, सुनो सुनो, केयरफुल, ध्यान से जाना भाई साहब, सेड द क्वीन। अब भाई साहब, रानी को तो टेंशन होती है, तो रानी टाइगर से कह रही है, भाई ध्यान से जाना। बट ही वॉज ऑलरेडी गॉन, लेकिन वो तो निकल चुका था। अलोन, अकेला। इन द डार्कनेस, अंधेरे में ही। बिफोर द डॉन, सुबह होने से पहले। अब वो तो सुबह होने से पहले ही निकल गया, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे। तो वो चला जाता है उस भेड़िए के जो है वो कुत्ते को सबक सिखाने के लिए। आगे क्या होता है, लेट्स सी। इन एन हावर ही वॉज बैक, और भाई साहब घंटे भर में वो वापस आ जाता है। द गुड किंग, अच्छा राजा। ए ब्लैक पैच ऑन हिज आइज, उसके आंख के ऊपर एक काला सा धब्बा। हिज टेल इन एसलिंग, और उसकी पूंछ जो है वो लटकी हुई। तो जब टाइगर जो है वो जोश में होता, तो उसकी पूंछ ऐसे ऊपर की तरफ उठी हुई रहती है, और जब वो डरा हुआ रहता है तो वैसा पूंछ जो है वो दुबकी हुई रहती है। एंड सेड, और कहता है, आई हैव गॉट इट ऑल प्लांट नाउ दैट आई नो द लाई ऑफ द लैंड, ऑल ऑफ अस विल हैव टू ट्राई, वी विल आउट नंबर द सन ऑफ अ बिच। कि हम उस सन ऑफ ए बीच, मतलब उस कुत्ते को अच्छे से सबक सिखाएंगे, लेकिन हमें क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने प्लान बना लिया है,
क्योंकि भाई साहब वो टाइगर किंग जो है वो अकेला गया था और कुत्ते ने उसे पीट पाट के वापस भेज दिया था। तो वो वापस आ गया उदास होके और आंख के ऊपर एक काला सा पैच लेके आ गया, एक धब्बा लेके आ गया और पूंछ जो उसकी लटकी हुई थी वो कह रहा है कि भाई आई हैव गॉट इट ऑल प्लान्ड, कि मैंने भैया प्लान बना लिया है नाउ दैट। और वो ये है कि आई नो द लाई ऑफ द लैंड, मुझे जो है उस जगह का मैंने अच्छे तरीके से निरीक्षण कर लिया है। ऑल ऑफ अस विल हैव टू ट्राई, अपन सबको मिलके क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। वी विल आउट नंबर द सन ऑफ अ बिच, कि हम उस कुत्ते के बच्चे को अच्छे से सबक जो है वो सिखाएंगे। आगे क्या कहता है, लेट्स सी। एंड दिस टाइम देयर विल बी नो हिच, और इस बार जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हिच, हिच का मतलब होता है दोस्तों प्रॉब्लम हो जाना। बिकॉज दिस टाइम आई शैल बी लीडिंग द अटैक, क्योंकि इस बार क्या है मैं उस जो अटैक होगा उसको लीड कौन करेगा, मैं करूँगा, मतलब टाइगर किंग करेगा। क्विक एज लाइटनिंग द सीप डॉग वॉज, अब भाई साहब जो सीप डॉग जो था जो अजामी लेके आया था वो तो लाइट से भी तेज था। He took them all in as prisoners of war in 50 and the 50 tigers and the tiger's king before they could get their paws on a single sheep. अब वो भाई साहब चले जाते हैं, लेकिन भाई साहब जो सीप डॉग था वो तो लाइट से भी ज़्यादा फास्ट था। तो वो क्या करता है, 50 टाइगर और एक टाइगर किंग 51 को मिला के क्या है एक पिंजरे में बंद कर देता है। कौन? वो जो सीप डॉग है। बिफोर दे कुड गेट दियर पाज ऑन ए सिंगल सीप, इससे पहले कि वो जो है एक, इससे पहले क्या करता वो एक भी सीप के ऊपर जो है अपने पांव लगा पाते, अपने पंजे लगा पाते, उससे पहले वो क्या कर लेता है, वो उन सभी को पकड़ लेता है। दे नेवर हैड ए चांस, उनको कोई चांस ही नहीं मिलता है। द डॉग वॉज इन 51 प्लेस एट ऑल एट वंस, और जो कुत्ता जो था जो शीप डॉग जो था वो एक जगह 51 जगहों पे था, मतलब एक टाइम पर 51 जगहों पे था। जिस तरीके से साउथ इंडियन मूवी अपन देखते हैं गुंडे बहुत सारे चारों तरफ से होते लेकिन हीरो एक होता है, लेकिन फिर भी वो पलक झपकते ही सभी गुंडों को मार गिराता था, उसी तरीके से हमारा जो डॉग भी था वो साउथ इंडियन से कम थोड़ी था। He strung them all out in the daisy chain, और वो उनको क्या कर देता है एक चेन में बांध देता है 51 को एक साथ। And flung them in front of his boss in a one big heap, और भाई साहब अपने बॉस के सामने ले जाके उनको सभी को पटक देता है। Nice dog, you got there अजामिल, said the tiger king. टाइगर किंग कहता है कि भाई तुमने जो कुत्ता पाला है बहुत ही अच्छा है। Looking a little ill and spitting out a tooth, अब भाई साहब इतनी मार खाने के बाद बेचारे का दांत टूट गया था तो वो अपना दांत को थूकते हुए कह रहा था कि भाई अजामिल तूने कुत्ता तो बड़ा अच्छा पाल रखा है। बट देर हैज बीन बिट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वी कुड हैव वाइप्ड आउट योर हर्ड इन वन क्लीन स्वीप, हम चाहते तो तुम्हारे पूरे के पूरे भेड़ के ग्रुप को एक बार में ख़त्म कर देते। बट लेकिन वी वर नॉट ट्राइंग टू क्रीप अप ऑन योर सीप, लेकिन हम तो तुम्हारे भेड़ को खाने आ ही नहीं रहे थे। वी फील दैट मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एंड्स, वी वर कमिंग टू सी यू एज फ्रेंड एंड दैट्स द ट्रूथ, हम तो भाई साहब तुम्हारे से मित्रता के रूप में मिलने के लिए आ रहे थे, मतलब एज ए फ्रेंड हम तुमसे मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन तुम्हारे कुत्ते को लगा कि ये भाई साहब भेड़ को खाने के लिए आ रहा हो तो इन्होंने मैं मारा और हमें जो बांध के तुम्हारे सामने पटक दिया। The sheep dog was the type who had never told a lie in his life, लेकिन जो भाई साहब कुत्ता जो था वो अपने जीवन में कभी भी उसने झूठ नहीं बोला था। He was built along simpler lines and he was simply disgusted, अब वो उसकी झूठी बातों से जो है वो परेशान हो रहा था। He kept on making frantic sign but अजामिल the good shepherd refused to meet his eyes. अब वो कुत्ता क्या कर रहा था, बार बार जो फ्रेंटिक शाइन बना रहा था अपने मालिक को समझाने के लिए कि भाई ये जो झूठ बोल रहा है, लेकिन अजामिल क्या करता है उसकी आंखों से आंखें नहीं मिलाता है। एंड प्रिटेंडिंग टू बिलीव एवरी सिंगल वर्ड ऑफ व्हाट द टाइगर किंग सेड, और ऐसा बहाना बनाता है जैसे कि वो टाइगर किंग की सारी बातें सुन रहा हो और उसको सही मान रहा हो। एंड सीम टू बी टेकन इन बाई ऑल द लाइज, और ऐसा कि वो सारी की सारी झूठी बातों को क्या है सच मान रहा हो, मतलब जो भी टाइगर किंग कह रहा है वो सभी बातों को क्या मान रहा था, सच मान रहा था। आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है ये,
अजामिल कट देम लूज एंड आस्क देम ऑल टू स्टे फॉर डिनर। और अजामिल क्या कर देता है, उन सभी को खोल देता है और उनको पूछता है किसके लिए, डिनर के लिए। इट वॉज एन ऑफर द टाइगर कुडंट रिफ्यूज। ओ भाई साहब, ये ऑफर ऐसा था कि जो टाइगर्स थे वो क्या नहीं कर सकते थे, रिफ्यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने 15 दिन और 16 रातों से कुछ खाया नहीं था। एंड आफ्टर द लैम्ब चॉप्ड एंड द रोस्ट, और उसके बाद एक लैम्ब को काटा गया और उसको रोस्ट किया गया। आगे क्या कहते हैं, लेट्स सी, देखते थोड़ी सी देर में। When Ajamil proposed, they sign a long-term friendship treaty, all the tigers roared. We couldn't agree with you more and swore they would be good friends all their lives as they put down the forks and the knives. अब अजामिल ने उनको क्या कहा कि भाई खाना वाना खा के जाना जब तुम आई गए हो। तो भाई साहब, एक लैम्ब को काटा गया और उसको जो है रोस्ट किया गया, और अजामिल ने उनको प्रपोजल दिया एक फ्रेंडशिप के लिए। तो वो सारे के सारे लोग क्या करते हैं, दे साइंड लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप ट्रेड। तो वो जो है वो उन्होंने एक फ्रेंडशिप जो है वो एक साइन कर लिया, उन्होंने एक बॉन्ड साइन कर लिया। और ऑल द टाइगर्स रोवर्ड, और सारे के सारे टाइगर जो है वो दहाड़ रहे हैं। वी कुडंट एग्री विद यू एनी मोर, अब हम जो है और तुम्हारे साथ एग्री नहीं हो पाए थे। एंड स्वोर दे वुड बी गुड फ्रेंड्स ऑल देयर लाइव्स, कि हम जो है हम कसम खाते हैं कि अब जितनी भी हमारा जीवन है हम तुम्हारे साथ एक अच्छी फ्रेंड्स बन के रहेंगे। एज दे पुट डाउन द फ्रॉक्स एंड देयर नाइव्स, वो जैसे ही वो क्या करते हैं, अपने कांटा चम्मच को नीचे रखते हैं क्योंकि वो डिनर कर रहे थे। अजामिल साइंड ए पैक्ट, और अजामिल जो है एक संधि पर साइन कर देता है विद द टाइगर्स पीपल एंड सेंड देम बैक, और भाई साहब टाइगर्स के जो लोग हैं उनको वापस भेज देता है। लेडन विद गिफ्ट्स ऑफ सीप, और उनको जो है गिफ्ट में क्या दे देता है, भेड़िए दे देता है, लेदर जैकेट्स भी दे देता है, एंड बॉल्स ऑफ वूल, और ऊन भी बहुत सारी दे देता है। अजामिल वॉजंट अ फूल, अजामिल जो था एक मूर्ख इंसान नहीं था। लाइक ऑल गुड शेफर्ड, जैसे कि सारे के सारे शेफर्ड को पता होता है, ही न्यू, वह भी जानता था दैट कि इवन टाइगर्स हैव गॉट टू ईट समटाइम्स, कि भाई टाइगर को भी खाना चाहिए। ए गुड शेफर्ड सीज टू इट दे डू, He is free to play a flute all the day as well. Fed tigers and fat sheep drink from the same pond with a full stomach for a common bond. और मतलब वो जो है वो संधि हो जाती है उनके बीच, और वो उनको घर भेज देता है। बहुत सारे गिफ्ट्स जो वो जो अजामिल है वो उनको दे देता है, क्योंकि अजामिल को पता है कि भाई टाइगर्स को भी खाने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो चाहिए होता है, क्योंकि वो एक अच्छा गडरिया था। उसके बाद क्या होता है कि वो फ्री हो जाता है। अब वो फ्री है, उसे अब कोई टेंशन नहीं है कि उसकी भेड़ों को टाइगर खा जाएगा। अब वो क्या कर सकता है, पूरे के पूरे दिन फ्लूट बजा सकता है, बांसुरी बजा सकता है, और जो भेड़ है और टाइगर्स है वो अपने पूरे भरे हुए पेट के साथ एक जगह क्या कर सकते हैं, एक तालाब पर पानी पी सकते हैं। तो ये थी दोस्तों प्यारी सी पोएट्री अजामिल एंड द टाइगर। उम्मीद करूंगा आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना अगर आपको कोई डाउट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।